Hello dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we are going to learn about same and opposite words. Okay? So, learn seeking same and opposite words ke bare me. So, about same words ke bare mein. Then opposite words. Words which are similar in meaning are known as synonyms. जिन वर्ड्स का जो मीनिंग सेम होता है उन वर्ड्स को हम बोलते हैं सिनोनिम्स सच एज बिग लार्ज है ना अगर मैं इस एलिफेंट को या तो मैं इसको बिग भी बोल सकती हूँ और मैं इसको लार्ज भी बोल सकती हूँ क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है इट मीन्स टू शो समथिंग व्हिच इज वेरी लार्ज इन साइज वेरी ह्यूज इन साइज वेरी बिग इन साइज है ना सो so, इन सब का मतलब क्या हो गया सेम ही हो गया इन सबका मतलब राइट स्पीक एंड टॉक स्पीक में भी यू यू स्पीक टू समवन आप अपने वर्ड्स आप अपने आइडियाज़ किसी से शेयर करते हो टॉकिंग में भी यू डू द सेम है ना सो स्पीक एंड टॉक भी क्या है मेरे सेम वर्ड्स हैं ओके सो जस्ट लाइक अभी हमने डिस्कस करा कि सेम वर्ड्स को हम सिनोनिम्स बोलते हैं वन मोर एग्जाम्पल थिन लीन अगर आप किसी को थिन बोलोगे यू कैन ऑल्सो कॉल दैट पर्सन लीन एज वेल है ना एंड हियर यू कैन से स्टाउट और फैट कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा चबी है उसको आप स्टाउट भी बोल सकते हो और फैट भी बोल सकते हो और राइट नाउ लेट्स लर्न अबाउट अपोजिट वर्ड्स वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन द मीनिंग उनको हम क्या बोलते हैं एंटेनिम्स ओके जिन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो बिल्कुल उल्टा होता है उसको हम एंटेम्स बोलेंगे हियर यू कैन सी स्मॉल ये जो हमारी जो एंट है ये एंट क्या है वेरी स्मॉल इन साइज ऑन द अदर हैंड यू कैन सी दिस एलिफेंट ये जो एलिफेंट है दिस इज वेरी बिग इन साइज तो इसके लिए हमने क्या यूज करा बिग बिग मीन वेरी ह्यूज काफी बड़ा ओके एंड स्मॉल काफी छोटा वेरी स्मॉल क्रिएचर फैट 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 का ऑपोजिट थे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया राइट लाफ हंसना ये आपका एक हैप्पी एक अच्छा इमोशन है लाफिंग व्हेन यू हैप्पी यू लाफ

ऑल राइट तो अभी हमने सीखा सिमिलर वर्ड्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में नाउ लेट्स एंजॉय सम क्वेश्चन Replace the underlying words in the following sentences with a word that is similar in meaning. अब हमें क्या करना है हमें आपने देख आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन हो रखे हैं आपने इन वर्ड्स के लिए क्या यूज करना है सिमिलर वर्ड सिमिलर वर्ड मतलब जिसका मतलब सेम है जिसका मीनिंग क्या है सेम सिमिलर क्या हो जाएगा का का क्या हो जाएगा प्लेन विच इज समथिंग विच इज वेरी प्लेन ऑल राइट सो क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव आप खुद मुझे बताओगे यू हैव टू डिसाइड कि इन दोनों का ऑपोजिट क्या होगा ओके ऑल राइट नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन कैन यू राइट एन ऑपोजिट फॉर द वर्ड्स वर्ड बिलो आपको यहां पर क्या करना है जितने भी वर्ड्स यहां पर है यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ इट, राइट सो नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन नीट नीट मीन बिल्कुल साफ एंड द ऑपोजिट ऑफ नीट वुड बी डर्टी now the next one is soft soft means mulayam the opposite of soft would be rough all right now the third one is sharp sharp means pehna ya fir no nokila so the opposite of sharp would be blunt now number 4 is big big means large right Great in size. So the opposite of big would be small. Now, number fifth is thin. Thin means patla. And the opposite of thin would be fat. Now, heavy. Heavy means bhari. The opposite of heavy would be light. Halka. Alright. Okay. वर्ड इन कॉलम ए विदर्सोजिट इन बी आपको क्या करना है आपने यहाँ पे कॉलम ए में कुछ देखने हैं एंड कॉलम बी में आपने कुछ वर्ड्स देखने हैं वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू मेक दम मैच राइट ओल्ड मतलब पुराना ओल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा नया न्यू थि थिन मतलब कोई चीज पतली होती है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा फैट थिन फैट वेट कोई चीज गीली just like wet clothes, गीले कपड़े तो उसका ड्राई सूखे कपड़े ब्लंट ब्लंट मतलब जैसे कि कोई नाइफ है नाइफ जो है उसकी जो जो जिस तरीके से हम उसको कट करते हैं वो वाला पोर्शन काफी ज्यादा थिक है इट्स नॉट वेरी शार्प तो ब्लंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा शार्प और राइट नाउ लेट्स डू सम एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन वच वर्ड इज एनेम फॉर हैप्पी हैप्पी का सिनेम क्या होगा सिनेम मीन्स रिमेंबर सिमिलर वर्ड्स मतलब एक जैसे वर्ड्स आपको इससे याद रखना है एस स्टैंड फॉर सिनेम एस स्टैंड फॉर सिमिलर सो so, हैप्पी का synonym क्या हो जाएगा एंग्री नो एंग्री मतलब गुस्सा करना टायर्ड मतलब थका होना सैड मतलब उदास सो so, हमारे पास आंसर क्या बचा जॉयफुल जॉय यू आर वेरी इन फन मूड वर्ड द सेम एज लाफ यहां पर कौन सा वर्ड जो है जिसका मतलब लाफ से मिलता है क्राई नो no. इसका मतलब तो रोना होता है स्माइल मुस्कुराना फ्राउन फ्राउन मतलब लाइक like किसी को आप गुस्से से देख रहे हो आप सिर्फ नॉर्मल स्माइल करते हो लेकिन गिगिल गिगिल जब आप खिलखिलाकर हंसते होना गिगिल बिल्कुल सेम सेम है ना विच वर्ड इज अनेम फॉर स्मार्ट स्मार्ट के लिए क्या सिनेम होना चाहिए डम ड मीन्स बुद्धू ओके जो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है मेंटली क्लेवर क्लेवर मतलब जो मेंटली एक्टिव है वेरी मतलब क्लेवर so दिमाग से थोड़ा सा एक्टिव कम होना और स्लो का मतलब भी ज्यादा जल्दी से आंसर नहीं करना क्लास में है ना सो so जो क्लेवर होगा दैट द राइट आंसर क्योंकि स्मार्ट और क्लेवर दोनों का मतलब है होना, आपने मुझे खुद बताना है कि इस क्वेश्चन में फॉर कोल्ड क्या होना चाहिए राइट सो हॉट वॉर्म कूल एंड फ्रीजिंग यू हैव टू डिसाइड दिस ऑल डियर स्टूडेंट्स आई रियली होप कि इस वीडियो में आपको सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल बी सींग यू इन माई अदर टिल देन टेक केयर बाय बाय